सबसे पहले तो हम इसके एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं। भाई एडजॉइंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। तो पहले हम इसके क्या करते हैं, इसके जो टू फैक्टर मैट्रिक्स है वो अगर हम बनाते हैं, टू फैक्टर मैट्रिक्स इसकी क्या आ जाएगी, टू फैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ये इसका को फैक्टर आ गया पहले एलिमेंट का, ये दूसरे एलिमेंट का, ये तीसरे एलिमेंट का, फिर तो सेकंड रो के को फैक्टर आ गए, और ये थर्ड रो के को फैक्टर आ गए। को फैक्टर हमने निकालने सीख लिया कि किस तरह से हम को फैक्टर निकालते हैं। अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर में। ये जो को फैक्टर मैट्रिक्स हमने बनाई है इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है बस, ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट। A11 को यहाँ पर, A12 इधर आ जाएगा, A13 इधर, जहाँ सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। जब भी आप 3x3 का एडजॉइंट निकालेंगे तो हमेशा आपको उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, यानी जितने भी इसके को फैक्टर है, को फैक्टर निकालने सबको अच्छी तरह आई गए होंगे। तो जितने भी इसके को फैक्टर है पहले आप इसके को फैक्टर निकालो, को फैक्टर निकालने के बाद उसका आपको कर देना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि वही इसका एडजॉइंट है। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, अगर बी मैट्रिक्स है तो उसे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ बी। अगर यहाँ पर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स होती है उसका आपको एडजॉइंट जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A2, इसका अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें ये जो दोनों एलिमेंट है इन दोनों एलिमेंट को आपको इंटरचेंज कर देना है। ये A22 इधर आ जाएगा, A11 इधर आ जाएगा, और ये वाले जो दो एलिमेंट है इनका आपको साइन चेंज कर देना, यानी ये आ जाएगा -A12 -A21। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3x3 है तो सभी के हमें को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, को फैक्टर निकालने के बाद फिर हम उसका एडजॉइंट निकाल पाएंगे। अब एक 2x2 का 3x3 का दोनों का एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे इस तरह से आप एडजॉइंट इसका निकालोगे। मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ये मैट्रिक्स आज हमारे पास है 1 2 3 4। 2x2 का डायरेक्ट आपको बताया मैंने एडजॉइंट कैसे निकालना है। ये जो ये दोनों एलिमेंट है इनके प्लेस को आपको इंटरचेंज कर देना है, 1 4 की जगह 4 1 हो जाएगा, तो इन दोनों का साइन आपको चेंज कर देना। ये तो हो गया 2x2 का एडजॉइंट। लेकिन अगर मैट्रिक्स आपके पास 3x3 है वो एडजॉइंट आपको इसमें सारे निकालने पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3, 3 3 2, और ले लेते हैं यहाँ पर 3 3 4, ले लो 3 1 4। इसके आपको एडजॉइंट निकालने हैं। अब यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए पहले सबके आपको को फैक्टर निकालने हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपके पास एलिमेंट है, इसमें से को फैक्टर निकालते समय ध्यान रखना हमेशा कि भाई ये जो चार एलिमेंट आते हैं आपके, इन चारों एलिमेंट का साइन आपको जरूर चेंज करना है, ठीक है। कई बार हम जल्दबाजी में सारे एलिमेंट निकाल देते हैं और इनके साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो आप बेशक पहले सर्कल कर लो, कुछ साइन डाल लो या कुछ भी ऐसे याद रख लो कि इन सबके साइन जो आपको चेंज जरूर करने हैं को फैक्टर। A11 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ेंगे,
यार अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे, कलम कर रहे थे अलग अलग एक करके, वैसे नहीं करेंगे ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर दे। तो ये 3 4 12, 12 - 2 10 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 - 6, 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर -6 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 - 9, -6 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे, जब फर्स्ट रो को छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बचा, ये बच गया 3 4 12, और इसमें यहाँ से माइनस करेंगे -2, तो 12 - 2 10 आ गया। फिर सेकंड रो का निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 4 12 -3 2 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 आता है, लेकिन यहाँ पर ये वाले प्लेस का साइन आपको चेंज करना है, तो इसलिए -6 हो गया। उसके बाद एक मिनट रुकना जरा, एक ध्रुव एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, पलक झा का मैसेज आ रहा है कि क्लास शेड्यूल में नहीं थी आज, उसको बोल दो कि क्लास रखी हुई है, फटाफट ज्वाइन कर लो। यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा 3 - 9, ये हो जाएगा -6 ठीक है, इस तरीके से करना। वेरी परेशान, किस नाम से था वो मैंने दिखाई नहीं दिया था। ग्रुप में कर दो आप, पलक है पलक झा, अब ग्रुप में कर दो मैसेज कि आज एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है। मैं ही कर देता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ मैं कर देता हूँ, रुक जाओ। नोटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ये पहला समझ में आ गया, A11 हमने कैसे करा, A12 कैसे किया, A13 कैसे किया। नोटिफिकेशन बंद हो गई है यार, ये टाइम टेबल में क्लास नहीं दिख रही, तो आप लोगों को कैसे नोटिफिकेशन आया था, कैसे आया था क्लास का। डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया था ना फिर, अच्छा
अभी जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं अभी मेरे पास किताबें समझ लो। एड ज्वाइन के बारे में बता रहा था मैं। एड ज्वाइन क्या होता है? एड ज्वाइन का मतलब होता है कि आप दो कोफैक्टर निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, आप उसका ट्रांसपोज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये इसका एड ज्वाइंट है। जो 2x2 मैट्रिक्स होती है इसका एड ज्वाइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसके लिए कोफैक्टर निकालने की जरूरत हमें नहीं होती। जैसे ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें हमने क्या करना होता है भाई, इसका और इसका, इन दोनों का जो एलिमेंट है ये, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। 1 4 है इधर, तो यहाँ पर 4 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के साइन आपको चेंज करना है। तो यहाँ से -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो 2x2 का तो आप हमेशा डायरेक्ट निकाल सकते हो एडजॉइंट, लेकिन 3x3 का अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको इनके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो हमें ये बात पता है कि भाई ये जो चारों एलिमेंट होते हैं इनके साइन आपको चेंज करने होते हैं। तो हमने पहले A11 का एलिमेंट निकाल लिया, कोफैक्टर निकाला, फिर A12 का, फिर A13 का निकाल लिया। अभी हम A21 का निकालते हैं। A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या कह रहे हो? अच्छा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 -3 5 हो गया, यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, -5 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का निकाल लेंगे, 4 और -9, -5 आ गया ये भी। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -6, ये भी -5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर +5 हो जाएगा क्योंकि साइन हमें इसका चेंज करना है। A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 -9 -5, सारे 5 5 आ रहे हैं। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 -9 -7, यहाँ पर हो जाएगा +7। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -6 -3 हो। तो सबके कोफैक्टर निकाल लिए, एडजॉइंट हम निकालेंगे। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या, आपको मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसके आपको ट्रांसपोज कर देना। आपने 10 -6 -6 ऐसे लिखा है तो इसको आप कॉलम में लिख देना, -5 -5 5 -5 7 एंड -2। इस तरह से ये बन जाएगा इसका एडजॉइंट। तो 2x2 का डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन 3x3 का बनाने के लिए सारे आपको कोफैक्टर निकालना है। एडजॉइंट की डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। और उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए ताकि प्रॉपर्टीज आगे काम आएंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आप ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मतलब अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 2x2 हो जाएगी, 3x3 मैट्रिक्स है तो 3x3 हो जाएगी। और अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, तब भी उसका रिजल्ट यही रहेगा। उसके बाद अगर दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से बनता है ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी से ही बनती है। अगर आप इसको और इसको लेके चलोगे और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें से कुछ आपके बुक में दे रखे होंगे, कुछ नहीं दे रखे होंगे।
एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसका ट्रांसपोज करोगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब आपने ए ट्रांसपोज करने के बाद उसका एडजॉइंट निकाला, या पहले आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो दोनों केसेस में रिजल्ट आपका बराबर रहेगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट में होता है कि ए बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं दोनों का अलग अलग कर देते हैं, यहां पर भी ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए बी का निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारी होती है इसकी। इसके अलावा जो हम और पढ़ेंगे यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आता है तो उसको हम बोलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरी होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आए तब हम उसको बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक तो इसके क्वेश्चन खुद ही अपने आप में बन जाते हैं। एक मैट्रिक्स आपको दे देंगे और तो पूछेंगे आपसे भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, या नॉन सिंगुलर सिंगुलर दे रखी होगी उसमें कोई स्केलर क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका काम आएगा जब हम इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमेशा चेक करेंगे कि मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर आती है या नहीं आती। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अभी वो फार्मूला करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो एडजॉइंट वगैरह हम जो भी सब निकाल रहे हैं इनवर्स निकालने के लिए निकाल रहे हैं। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि लेटर ए एंड बी Let A and B are two matrices of same order such that AB equals to I equals to B। अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं आई से, या फिर आई बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उस केस में हम बोलते हैं देन बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, और ए इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, अगर इस केस में ए बी आई के बराबर है या बी ए आई के बराबर है तो ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। अब यहां से जो इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करते हैं, वो इनवर्स का जो फार्मूला है वो कैसे बनता है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करो जो हमने हमारे पास पहले फार्मूला था, अभी अभी हमने जो एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था कि भाई ए इंटू में
ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके बराबर आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से अगर मैं इस डिटरमिनेंट को यहां से शिफ्ट कर दूं, डिटरमिनेंट को मैं इधर ले आऊं, ये क्या बन गया ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि जो ये फार्मूला होता है इसमें ये भी होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए के बराबर। इस फार्मूले को दोनों को रिलेट करते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से डिटरमिनेंट को हटा दिया, डिटरमिनेंट को हटा के मैं आई को इधर ले आया। ऐसे हम उधर भी कर सकते हैं, ए की तरफ से हम समझ लेते हैं फार्मूला, ए की तरफ से ड्राइव करना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को इधर ले। अब यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर ए भी आई के बराबर होता है तो बी जो होता है वो उसको हम बोलते हैं भाई ए का इनवर्स है। और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये बी की वैल्यू आ रही है, तो बी की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बी को हम क्या बोल रहे हैं कि बी जो है वो ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, इसका मतलब ए इनवर्स का जो फार्मूला हमारा वो क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ। अब यहाँ पर देख रहे हो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, अगर ये जीरो के बराबर आ जाएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है दैट मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे जो पहली कंडीशन है वो यही होगी आपकी कि डिटरमिनेंट आप निकाल के देखोगे, अगर इस मेथड से हम कर रहे हैं इनवर्स को, डिटरमिनेंट आप निकाल के देखेंगे वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर होगी बात, समझ में आई? फॉर्मूला आया समझ में? तो अभी इस फॉर्मूले का यूज करके हम इनवर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। उससे पहले कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो और बता दूंगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी आपके पास, अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालते हो ये बराबर होगा बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स, इसे ट्रांसपोज लेना उसी की तरह ही बनेगा। अगर ए रेस टू पावर एन है आपके पास उसका इनवर्स निकालते हो तो ए इनवर्स रेस टू पावर एन हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको मान लो ए क्यूब का इनवर्स पूछा गया है तो आप सिंपली ए इनवर्स निकालो और उसका क्यूब कर दो, यानी ए इनवर्स को ए इनवर्स से तीन बार मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपका निकल जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें कहता है इनवर्स का अगर आप फिर से इनवर्स निकाल देते हो, ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाल देते हो तो ये वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। और अगर आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो आप पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में इनवर्स निकाल दो तो भी रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्री के बारे में नहीं दिया हुआ कुछ, वो चेंज हो सकती है लेकिन सिमेट्रिक सिमेट्रिक में ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स वो खुद ही होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज इट्स ओन इनवर्स।
ये तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है, जहां पर क्वेश्चंस आप में डायरेक्ट जहाँ यूज कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस में वहां पर इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक्सरसाइज निकालो और काफी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आप, बाकी ये क्वेश्चन फिर कल की क्लास में लगाओ। क्या कह रहे हो? तो हाँ परसों जब भी होगी जो तुम्हारी रेगुलर क्लास होती है। पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको एडजॉइंट निकालना है, 2x2 मैट्रिक्स है, डायरेक्ट निकाल सकते हो एडजॉइंट। सेकंड क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना है। अभी अभी हमने निकाल के देखा था, और पहले इसको निकाल के देख लेना, आराम से निकल ही जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, उसमें से एक प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करनी है। तो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है 2, 3 -4 -6। यहाँ जो वेरीफाई करना है उसके लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट इसका निकाल लेते हैं। 2x2 है तो इसका एडजॉइंट तो डायरेक्टली निकल ही जाएगा। इन दोनों को आपको इंटरचेंज करना है, तो -6 आ गया, इधर से 2 आ गया, तो फिर -3 और +2। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसमें जो LHS दे रखी है आपको, उसको LHS में दिया हुआ है A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। पहले इसको निकाल लेते हैं ये क्या आता है, यानी A को मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ A से। प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ से करोगे 2, 6 12, 3, 4 12 हो गया, तो ये तो आपका 0 ही हो गया। वैसे करोगे -6 +6 0 हो गया, 24 -24 0 हो गया, +12 -12 ये तो 0 मैट्रिक्स आ गई सारी। तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 आ रहा होगा, यानी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बीच में आपके पास ये होता है, तो डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे -12 +12, तो डिटरमिनेंट हो गया। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 हो गया, तो सारा कुछ 0 ही हो जाना है, तो ये भी नल मैट्रिक्स आ गई। और जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए, एडजॉइंट पहले लिखेंगे, इसको सिंपलीफाई करो, ये भी 0 आना चाहिए, -12 +12 0, -18 +18 0, 8 -8 0, 12 -12 0। तो यहाँ तो सारे 0 0 आ गया, तो वैसे ही बराबर हो गया। तो ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में सब कुछ बराबर आ गया, तो आप लिख दो यहाँ पर हैंस वेरीफाइड। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें भी आपको प्रॉपर्टी यही वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टी यही वेरीफाई करनी है, तो 3x3 की कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 -1 2, 1 -1 2, नेक्स्ट है 3 0 -2, उसके बाद है 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है क्योंकि 3x3 है, तो भाई इसमें कोफैक्टर भी आपको निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे। तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है, इसका 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 साइन चेंज करना है,
ध्यान रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो, जैसे भी जीरो 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 वाले बढ़िया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नाइन प्लस टू इलेवन, इधर हो जाएगा माइनस इलेवन। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस थ्री, प्लस थ्री हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम थ्री माइनस टू वन, सेकंड रो थर्ड कॉलम जीरो प्लस वन माइनस वन हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम टू जाएगा, और थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट जाएगा प्लस एट। थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो प्लस थ्री, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए जीरो माइनस इलेवन जीरो, थ्री वन माइनस वन टू एट एंड थ्री। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करके देखो इसको, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से ए मैट्रिक्स आ गई। इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, यहां से देखो मल्टीप्लाई करो जीरो इलेवन जीरो, कैसे करेंगे हो जाएगा जीरो थ्री माइनस वन और माइनस टू जीरो, ऐसा आएगा टू माइनस एट और सिक्स, ये भी हो जाएगा जीरो 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 और ये भी जीरो। ठीक है, यहाँ पर इलेवन आना चाहिए, नाइन जीरो प्लस टू जीरो आना चाहिए, सिक्स जीरो माइनस सिक्स। और ये मत करना कि इधर तुम्हें पता लग गया कि आना चाहिए तो उठा के ऐसे लिख दो कि इलेवन जीरो जीरो इलेवन जीरो, चेक कर लेना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अब इससे करेंगे जीरो 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 थ्री जीरो माइनस थ्री टू जीरो और नाइन, तो ठीक आ रहा है, तो ठीक है ठीक है। तो और फिर निकाल लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, डिटरमेंट इसका निकालो गया, अब हम इस कॉलम से निकाल देते हैं, तो ये प्लस वन हो गया, इस रो को इस कॉलम को छोड़ोगे नाइन प्लस टू इलेवन इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इलेवन आएगा, इलेवन से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है, जीरो थ्री टू माइनस इलेवन वन एट जीरो माइनस वन थ्री, और इधर से करोगे वन माइनस वन टू थ्री जीरो माइनस टू वन जीरो थ्री। ठीक है, यहाँ से सही आ गया, यहाँ से सही आ गया, यहाँ से कम एक रो निकाल के देख लेना सही से, बाकी फिर लिख लेना वैसे, जीरो नाइन और टू इलेवन जीरो 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 माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ठीक आ रहा है, बाकी भी ठीक ही आ जाएगा। यहाँ से आप देख लो कि तीनों का रिजल्ट बराबर आ गया, तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होगी कि ये और ये और ये तीनों आपस में बराबर हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इनवर्स फाइंड करना है, टू बाय टू मैट्रिक्स दे रखी है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। टू माइनस टू फोर थ्री ये मैट्रिक्स है, टू माइनस टू फोर थ्री। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट तो निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट से पहले भी डिटरमिनेंट चेक करना है, अगर डिटरमिनेंट ही जीरो के बराबर आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखो आ जाएगा सिक्स प्लस में एट फोर्टीन आ गया, नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, टू बाई टू का तो डायरेक्ट निकल जाएगा, थ्री और टू को चेंज करना है आपको, इसके साइन चेंज कर। इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट है आपका 14, उसको आप ऐसे लिखो 1 अपॉन 14, एडजॉइंट जो है उसको इधर लिख दो अंदर, और इस 14 को अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये सारे के सारे कट रहे हो तो कर दो,
नहीं तो आंसर को यहीं पर छोड़ दो, यही आपका आंसर आता है। ठीक है, 2/2 का ऐसे निकालना है। अरे 3/3 का और निकाल लेते हैं, कोई डाउट क्वेश्चन किसी को? हाँ भाई, हाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना तो वाले क्लास के बाद करना। अभी मैं क्वेश्चन और करा दूंगा, 3/3 का क्लास आउट कर देंगे, उसके बाद देखना। इसमें कह रहा 1 2 3 0 2 4, 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5, मतलब फाइंड ए इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये पता लगेगा डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट आप निकाल लो, पहले कॉलम से निकाल लो। वन इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ दोगे, 10 - 0 10 हो गया, 10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो ये लिखना कंपलसरी है। अगर पूछा नहीं है, सीधा इनवर्स निकालने को बोल रहा है, तो लिखो या मत लिखो। अब इसके एडजॉइंट निकालने हैं तो उसके लिए कोफैक्टर निकालो। सबसे बोरिंग काम इसमें यही है, कोफैक्टर वाला। फटाफट निकाल देते हैं इसके। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे 0 आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे 0 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 10 आएगा, -10 बन जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे 5 हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम करोगे तो 0 हो जाएगा, और अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 8 - 6 2 हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 4 हो गया, जैसे -4 हो जाएगा। जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गलती हो रही हो तो बता देना। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 2। इसका एडजॉइंट बना लेते हैं, एडजॉइंट आ गया इसका 10 0 0 -10 5 0, 2 - 4 इन 2। इनवर्स का फार्मूला, डिटरमिनेंट कितना है 10, 10 से डिवाइड करना है, इसको एडजॉइंट को डिवाइड करना है, 10 - 10 2, 0 5 - 4 0 0, ये आपका इनवर्स आ जाएगा। आंसर भी अपना चेक कर सकते हो, आपकी इनवर्स हमारा सही है नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, तो आपके पास आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, बाकी दोनों 0 0 आ गए, एलिमेंट क्या बन रहा है हमारा, 10 बन रहा है। फिर दूसरा एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, -10 + 10, और ये 0, ये 0 आ जाएगा। इसको करो 2 - 8 + 6, ये भी 0 आ रहा है। इसको करते हैं हम सेकंड रो को 0 0, और ये 0। इसको करोगे 0 5 2 10, फिर इसको करेंगे 0 - 8 + 8, यहां से करोगे 0, ये 0, ये भी 0, यहां से करेंगे 0 0 0, इधर से करोगे इसको 0 0 5 2 10, ये 10 10 आ गया। अब इसके बाहर क्या था, 1/10 था, इस 1/10 से अगर आप डिवाइड करोगे सबको तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी आपका जो इनवर्स है वो बिल्कुल ठीक। मैंने ये बोला कि जो भी मैट्रिक्स आपकी आई है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, और जो आपका इनवर्स आया, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपका जो इनवर्स है वो ठीक है या नहीं है, तो ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। यहाँ पर अंदर 10 10 10 आ रहा है, बाहर इसके 1/10 था, तो 10 से आप डिवाइड करोगे इसको तो 1 1 1 हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी आपका आंसर जो है वो ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कर लेने हैं, प्रॉपर्टी सारी पढ़नी है अच्छे तरीके से,
टेन के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो फिर हम कल करते हैं, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बताओ किसी को। चलो बढ़िया, मसंद एंजॉय करो, मैंने बीच में वो डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें आज।